कराची में बिजली का बोहरान, शदीद लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से भी बढ़ गया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, हिजरत कॉलोनी में बिजली की आंख मचोली जारी। सरजानी टाउन, यूसुफ गोट, फेडरल बी एरिया, अजीजाबाद, करीमाबाद में भी गुज़िश्ता कई घंटों से बिजली की बंदिश। तवील लोड शेडिंग के बाइस पानी की भी किल्लत, शहरी दोहरी अजियत में मुबतला। मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये जीएचक्यू में नहीं होने। मुझे इल्म का पता नहीं कि उनको इल्म था या नहीं था या उनको बाद में इल्म हुआ, लेकिन ना इन इशूज पे पोलिटिकल क्यादत को बुलाना चाहिए ना पोलिटिकल क्यादत को जाना चाहिए। ये इशूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज कहती हैं सियासी मामलात सियासी क़यादत को हल करने दें, जिसे इश्यूज डिस्कस करना है वो पार्लियामेंट आए। सियासी की आदत को कहीं नहीं जाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान इशू पर आर्मी चीफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ और दीगर पार्लिमानी रहनुमा शामिल थे। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवानगी के वक्त बदनज़मी। मरियम नवाज अपने ही सिक्योरिटी गार्ड की कोहनी का निशाना बन गई। कोहनी इस कदर जोर से लगी कि मरियम नवाज दायां कंधा पकड़कर चीख पड़ी। उधर अदालत ने मरियम नवाज की अपील पर समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। रिमार्क्स दिए नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, पहले ये मामला देख लें। जेल में जाना पड़ा तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं है। मेरे कब्र में जाने के बाद भी अगर खुदा ना खास्ता मेरे खिलाफ पब्लिक फंड्स में करप्शन का एक थैला निकल आए तो मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर मैं दोहराता हूं कि फिर ओलिवर क्रॉमवेल की तरह मेरी कब्र को निकाल पर पोल पे लटका दीजिए। इमरान नियाजी चाहते हैं मैं जेल चला जाऊं। शहबाज शरीफ कहते हैं मौत के बाद भी मुझ पर करप्शन साबित हो जाए तो मुझे कब्र से निकाल कर लटका दें। नैब नियाजी गठजोड़ से नून लीग पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। वजीर आजम अपने स्कैंडल्स छुपाने में लगे हैं। मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर, दवाओं और गंदम के स्कैंडल्स का क्या बना? अलीमा खान से तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम को तलब कर लिया। अमीर मकाम को आमदन से जायद असासाजात केस में तलब किया गया। अमीर मकाम को 30 सितंबर को नैब पिशावर में पेश होने का नोटिस जारी। एपीसी के फैसलों पर अमल दरामद के लिए रहबर कमेटी का इजलास। 3 कमेटियों और इनके कोऑर्डिनेटर्स बनाने का फैसला। कमेटियां तहरीके अदम एतमाद, इस्तीफों, मुतफिका लाया अमल और एहतजाज के TORs तय करेंगी। रहबर कमेटी को बतौर कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम रखने की भी तजवीज़। अकरम दौरानी का कहना है एपीसी के बाद सिलेक्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकारों की बौखलाहट बढ़ गई। PDM जलसे जुलूसों में तेजी लाएगी। इक्तसादी सफारतकारी के फरोग के लिए इकोनॉमिक आउटरीच एपेक्स कमेटी बनाने का फैसला। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में इक्तसादी सफारतकारी के पोटेंशियल चैलेंजेस और इन पर काबू पाने के लिए रोड मैप पेश। इमरान खान ने कहा इक्तसादी सफारतकारी का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हमरा दाता दरबार पर हाजिरी। मुल्को कौम की सरबुलंदी, नजरियाती और जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआ। एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार खालिद महमूद और मैनेजर ताहिर मकसूद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चेयरमैन सेनेट और वजीर आला पंजाब की दस्तारबंदी की। अमरीकी सदारती इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इसीलिए समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तादाद पूरी होनी चाहिए। सेनेट की जुडिशरी कमेटी की नामजदगी पर समाअत के बगैर जज की तकर्रुरी फौरी हो जाएगी। और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड का अपनी हुकूमत से इजाजत मिलने पर दौरा पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान।
पीसीबी की भी 20 अक्टूबर को जिम्बाब्वे टीम की आमद की तस्दीक। जिम्बाब्वियन टीम 3 वनडे 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान आएगी। वनडे सीरीज 30 अक्टूबर से मुल्तान और T20 सीरीज 7 नवंबर से रावलपिंडी में खेली जाएगी।